नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी का अध्याय 15 तौलिए। लेखक का नाम है उपेंद्रनाथ अश्क। इनका जो जन्म है सन 1910 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1996 में। अब ये जो शीर्षक इसमें दिया गया तौलिए, एक साधारण सा शब्द है तौलिए, लेकिन एक तौलिए के माध्यम से ही इन्होंने एक प्रकार की जो व्यवस्था अपने कह सकते हैं समाज में, एक विचारधारा जो है उसको लक्षित करने का प्रयास किया है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लेखक ने किया है। सुनने में और पढ़ने में ये तौलिए जो शब्द है वो साधारण है, लेकिन साधारण में भी असाधारणता इसमें छिपी हुई है। तो साधारण से जो विषय हैं उनको भी असाधारण बना दिया है लेखक ने, और उनके माध्यम से एक जो संदेश है वो उपेंद्रनाथ अश्क जो हैं वो हमें देते हैं। तो उससे पहले हम उपेंद्रनाथ अश्क जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क की जो संक्षिप्त जो जीवनी कह सकते अपने जो परिचय है, उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्रनाथ अश्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। अब उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले, उर्दू में पहले प्रेमचंद जी भी उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से, लेकिन उपेंद्रनाथ अश्क जो हैं उन्होंने भी मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से ही हिंदी में लिखना प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में उनकी रचना धर्मिता का विकास हुआ। अब देखिए, इनका जो जन्म है 1910 में हुआ है और हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो जिस समय इनका जन्म हुआ है तो हमारा देश जो है वो गुलाम था, अधीन था। तो इसी प्रकार से इनकी जो रचनाएं हैं उनके अंदर भी राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में जो रचना धर्मिता का विकास हुआ था। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना एवं अनुवाद, इन सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई। नाटक एवं एकांकी विधा को नए आयाम देने वाले अश्क जी ने नवजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता एवं आडंबरों पर निर्ममतापूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों व अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया है। अब देखिए, इन्होंने जो कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना और अनुवाद, ये सभी जो विधाएँ हैं इनका प्रयोग किया है, इन पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है, लेखनी चलाई है। नाटक एवं एकांकी विधा को नए आयाम देने वाले अश्क जी ने जन जीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, अब देखिए जो रूढ़िवादिता थी, जो जड़ता थी, जो आडंबर थी, उसकी निर्ममतापूर्वक, यानी किसी प्रकार की उनके ऊपर दया नहीं किया रूढ़िवादिता के ऊपर। अगर जड़ता है तो जड़ता पर कोई जो ममता नहीं दिखाई है, प्रेम नहीं दिखाया, ना ही आडंबरों के ऊपर, बल्कि वहाँ पर निर्ममतापूर्वक प्रहार किया है और मानसिक भावों व अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण इन्होंने किया है। तो उपेंद्रनाथ अश्क की प्रमुख रचनाएं हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल जो कि उपन्यास हैं, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा जो कि कहानी संग्रह इनका, लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर जो कि नाटक है इनका, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, एकांकी संग्रह, एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया जो कि इनका काव्य है, मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां जो संस्मरण है इनका, अन्वेषण की सह यात्रा तथा हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय आलोचना है जो ये हैं इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं। अब जो हम पढ़ेंगे इनके द्वारा जो रचित एकांकी है तौलिए, तो उसमें लेखक हमें क्या बताना चाहता है, किस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है, कौन सी जो बुराई है, जो आडंबर है, जो रूढ़िवादिता है जिस पे लेखक प्रहार करता है, तो उसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं हम कि प्रस्तुत एकांकी तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। अब देखिए, लेखक जो है
जो आडंबर थे, जो खोखलापन है, जो रूढ़िवादिता है, उस पर प्रहार करता है। तो ऐसा ही प्रहार इसके माध्यम से भी, इस एकांकी के माध्यम से भी किया गया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है। अब लेखक इसके माध्यम से बताते हैं कि हमारे जीवन में जो कृत्रिमता है, कृत्रिमता कहते हैं मानव द्वारा निर्मित, और जो दिखावटीपन है वो पसरता जा रहा है, अर्थात फैलाव लेता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है। अब जो रिश्ते हैं ना, उनकी प्रगाढ़ता, जो अपनत्व की भावना अपने कह सकते हैं, जो रिश्तों की गहराइयाँ हैं, वे धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप हैं। अब कहते हैं कि स्वच्छता और जो सलीका पसंदी जो दिखावा हम करते हैं, दिखावटीपन दिखाते हैं, वो हमारी आत्मीयता पर एक बोझ है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। अब जो ये दिखावे ना, तो उनके अंदर जो रिश्ते हैं उनकी गर्माहट, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव था, जो स्नेह की भावना थी, वे धीरे धीरे जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। सहजता एवं सरलता से जीवन जीने में जो खुशी एवं आनंद मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं, बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। अब देखिए, जो जीवन का रहस्य है वो बाहर की तड़क भड़क में नहीं है, बल्कि अंदर की जो दृढ़ता है ना, उसके अंदर ही है। तो ऐसा इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखी गई जो एकांकी है तौलिए, तो अब उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें पात्रों का वर्णन किया गया है कि पात्र कौन कौन से हैं इसमें। तो बसंत, वसंत, चिंती, मधु, मंगला और सुरो, ये इसमें मुख्य पात्र हैं। और जो स्थान है वो है नई दिल्ली, क्योंकि इसमें एकांकी वगैरह लिखते हैं ना, तो उसमें स्थान, विषय वस्तु, ये सब जो है काल के बारे में लिखा जाता है, तो ये सब रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें, क्योंकि एकांकी जो प्रारंभ होने से पहले कुछ जो है साज सज्जा की आवश्यकता रहती है। उस दृश्य को अंकन किस प्रकार से किया जा रहा है, तो उसकी कुछ जो बातें हैं वो इसमें बताई गई हैं। तो पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। अब देखिए, जो एकांकी है हमारे सामने, ऐसा लग रहा है कि जैसे घटनाएँ घटित हो रही हैं, कि पर्दा जो उठ रहा है और वो स्थान है वसंत के ड्राइंग रूम का। तो ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न छोटा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। वसंत एक 250 मासिक पाता है, यानी कि उनका जो वेतन है, वसंत का कहीं नौकरी करते हैं और उनका जो वेतन है वो 250 रुपये के करीब है, पर नई दिल्ली के 250। लेकिन वह फर्म का मैनेजर है, इसलिए टेलीफोन लगा है, इसलिए कमरा भी सजा है। बाईं दीवार के साथ एक मेज़ लगी है, उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा है। अब देखिए, इन्होंने दृश्य प्रस्तुत कर दिया है हमारे सामने कि जब पर्दा उठ रहा है तो बसंत का ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम ना ही तो बड़ा, ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है। सजा हुआ भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बसंत जो है वो 250 रुपये मासिक पाता है, और वो भी नई दिल्ली के अंदर 250 रुपये, और वह एक फर्म का मैनेजर है, इसलिए उसके जो कमरे में टेलीफोन रखा हुआ है मेज़ के ऊपर, और कुछ कागज पत्र भी रखे हुए हैं। तो मेज़ के इधर एक दरवाज़ा है। अब ये दृश्य जो है हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है लेखक, कि मेज़ के इधर एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज़ के उस और कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती, क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है, उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी हुई हैं, वैसी ही जैसे मध्यम वर्गीय घरों में होती हैं, लेकिन वे बिखरी नहीं हैं और करीने से लगी हुई हैं। करीने से मतलब कि जिस वस्तु को जिस स्थान पर होना चाहिए, एक क्रमबद्ध तरीके से उनको रखा गया है। दो पीतल के गुलदान, अब गुलदान क्या है, जिसको फूलदान कहते हैं अपने, जिसमें जो फूल वगैरह रखे रहते हैं, टांगे जाते हैं, गुलदस्ता भी अपने कह सकते हैं उसको। दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज़ पर रखा है, जिसके मेजपोश का डिज़ाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है। अब मधु कौन है इसमें? मधु जो है वो बसंत की पत्नी है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है, जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने पड़े। अब ये अभी तक दृश्य बता रहा है कि किस प्रकार का जो दृश्य है पर्दा उठने पर दिखाई दे रहा है। कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है।
अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। पहले भी बताया था ना कि एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे की तरफ जा रहा है, और दूसरा जो दरवाज़ा एक और है जो अंगीठी के बराबर में है वो रसोई को जाता है। इस दरवाजे से ज़रा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बैंत के कोच का सेट है। अब बैंत के कोच यानी कि जो बांस वगैरह ना उनसे बना हुआ है एक, इसके आगे एक तिपाई पड़ी है। सेट की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण हैं और तिपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। सामने दीवार के बाईं ओर कोच से ज़रा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नान गृह को जाता है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज़ लगी है जिससे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिये टंगे हैं। मेज़ के दोनों ओर एक दो कुर्सियाँ पड़ी हैं। दाईं दीवार में इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर जाता है। अब देखिए शब्दों के द्वारा ही शब्द चित्र जो है वो हमारे सामने लेखक ने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार की जो स्थिति है वो हमारे सामने प्रकट हो रही है पर्दा उठते ही। अब देखिए आगे, पर्दा उठते समय हम वसंत को श्रृंगार की मेज़ पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। वो दाढ़ी वगैरह बना रहे हैं, वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुँह पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। तो देखिए एकांकी प्रारंभ हो चुकी है। पहले तो उस दृश्य का वर्णन किया था कि कैसी कैसा जो दृश्य है वहाँ पर बना हुआ है, किस प्रकार की सजावट वहाँ की गई है। फिर उसके बाद में लेखक जो है इस एकांकी को आगे बढ़ाते हुए बता रहा है कि जो वसंत है वो श्रृंगार की मेज़ पर बैठा हजामत बना रहा है और वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुँह पोंछ रहे हैं। और तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उनके बीच में क्या संवाद होता है तो देखते हैं। मधु, अब मधु कह रही है, यह फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया, मैं कहती हूँ आप। अब इसमें कहते हैं कि आपने मदन का जो है तौलिया उठा लिया है। बसंत मुँह पहुँचते रुककर, ओह यह कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है, हंसता है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत। अब देखिए बसंत कहता है कि कोई बात नहीं, ये कमबख्त तौलियों का कुछ पता ही नहीं रहता। और फिर वो हंस देता है, कहता है कि ये छोटा है ना, इस कारण से मैं हजामत के लिए काम ले लेता हूँ। लेकिन मधु चिढ़ जाती है उससे, और हजामत के तौलिए कैसे हैं जी, ज़रा आँख खोल कर देखिए हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं। बीसियों तो धारियाँ पड़ी हुई हैं उनमें, और मदन के कितने सादे। और अब देखिए मधु जो है वो सफाई पसंद है, वो नहीं चाहती कि कोई किसी और दूसरे का जो तौलिया वो इस्तेमाल करें, तो इसलिए कहती है कि हजामत के लिए तौलिए कैसे हैं जी, ज़रा आँख खोल कर देखिए हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं। बीसियों तो धारियाँ पड़ी हैं उसमें, और उनमें मदन के कितने सादे हैं। तो बसंत कहते हैं लेकिन रोएदार तो हैं, अब मुलायम तो हैं। वो कहते हैं मधु कहते व्यंग्य से, दोनों हैं जी, आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है, मैं कहती हूँ। अब वो कहती है कि जो ये टंगे हुए तो उनमें भी तो ऐसा है, रोएदार हैं और छोटे भी हैं, अब आंखें बंद करके भी आदमी इनके अंतर को बता सकता है। वसंत जो निरुत्तर हो जाता है, उसके पास में कोई जवाब नहीं रहता। वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था, लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो, कहाँ है मुझे दिखाई ही नहीं दिया। अब वो कहते हैं चलो ठीक है, अब हजामत कर ली तो हजामत का तौलिया जो था वो मेरे को दे दो, मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं तो कहीं और मेरा ध्यान था, कुछ सोच रहा था, विचार कर रहा था। मधु कहती है खूंटी पर टंगा तौलिया उठाकर, अब मधु जो है जो खूंटी पर टंगा हुआ तौलिया था उसे उठाकर कहती है, यह है तो टंगा है सामने फिर भी। अब देखिए उनमें थोड़ी नोकझोंक हो रही है। वसंत कहता है मैंने ऐनक उतार रखा है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। खिसियानी हंसी हंसता है, यानी कि मंद हंसी वो हंस रहा है कि ऐनक उतार रखी है मैंने, इस कारण से मुझे दिखा नहीं, और तुम तो जानती हो कि ऐनक के बिना हमारी दुनिया कैसी होती है। मधु कहती है जी आपकी दुनिया, कि आपकी क्या दुनिया ऐसी, फिर जाने आप किस दुनिया में रहते हैं, अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। अब देखिए फिर भी व्यंग्य जो प्रहार इसमें किया गया है, व्यंग्यवान जो छोड़ दिया है मधु ने, कि आपको कौन सा दिखता है अगर ऐनक लगी हो तो भी, तो आपको कुछ दिखाई तो देता नहीं है। फिर भी मुँह फुला धम से कोच में धस जाती है, कोच यानी कि जो सोफ़ा लगा ना तो उस पर बैठ जाती है वो, मुँह फुला लेते गुस्सा हो जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है और फिर अचानक उसकी ओर देखकर, अब ये दृश्य है कि किस प्रकार से
उसमें एक परिवर्तन आ रहा है दृश्य में कि अचानक से उसकी ओर देखता है, उसकी ओर मतलब मधु की ओर देखता है। फिर बसंत कहता है तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज़ हो गई हो अब, क्योंकि कहने से ऐसा पता लग रहा है कि पहले भी कई बार मधु ऐसे नाराज़ हो चुकी हैं। तभी वो कह रहे कि तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज़ हो गई हो। मधु व्यंग्य से हंसकर नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, अब व्यंग्यात्मकता से हंस रही है कि नहीं मैं नाराज़ थोड़ी हूँ। बसंत तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। अब क्या नहीं पहचान सकता कि तुम गुस्से कब होती हो, हंसती कब हो, प्रसन्न कब रहती हो। तो मधु उसी तरह हंसकर मैं कब कहती हूँ। बसंत सामान वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए, अब जो सामान वो रख रहा था ना हजामत का और का, तो सामान को वैसे ही छोड़ के वो उसकी ओर कुर्सी घुमा लेता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं है। अब बसंत मधु से कह रहे हैं कि तुम अपने जो भाव है ना, जो उसको छिपा नहीं सकती, तुम्हारे चेहरे पे वो झलक ही आते हैं। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती हैं। और तुम्हारी जो उपेक्षा, जो तिरस्कार का भाव है, क्रोध का भाव है, जो समस्त भावनाएं हैं वो तुम्हारी आकृति पर यानी कि तुम्हारे चेहरे पर आ जाती हैं। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती हैं, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अब बसंत को पता है कि वो किस कारण से नाराज़ हो जाती है, तो वो इसी कारण से वो कहते हैं कि मेरी जो आदतें हैं ना तुम्हें बुरी लगती हैं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, जो बात थी स्पष्ट बता दी थी, अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था मैंने, अपने सब पत्ते। अब सब पत्ते मतलब कि जिस प्रकार से ताश के पत्ते खोलने के बाद में ही उसका पता लगता है, तो उसी प्रकार से ही। तो बसंत कहते हैं कि मैंने सारी बातें जो हैं वो स्पष्ट कर दी थी कि मेरा व्यवहार कैसा है, मैं किस प्रकार से रहता हूँ, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया था पहले ही, शादी से पहले। मधु, अब मधु कह रही है मेज़ पर रख दिए थे, उसी तरह व्यंग्य से हंसकर मैं कब इनकार करती हूँ। अब वो कहते हैं कि मैंने सब पत्ते यानी सब पत्ते खोल दिए, यानी कि जो बात थी, जो कोई भी मैंने बात छुपाई नहीं है। अब व्यंग्यात्मक तरीके से कहती है मधु कि मैंने जो पत्ते थे ना वो तुम्हारे मेज़ पर रख दिए थे, और मैं कब इनकार करती हूँ। वसंत तुम्हारी यह हंसी कितनी विषैली है, यानी कि विषय भरी हुई है, यानी कि हर प्रकार से जो मुझे परेशान करने वाली है, इसी तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। अब देखो बसंत कहता है कि तुमने इसी प्रकार से ना विष घोल घोल के यानी क्रोधित होकर अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है, कमज़ोर हो गई हो। लेकिन मधु कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। बसंत कहते हैं मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं समय सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूं। अब देखिए बसंत को भी पता है कि मधु को सफाई पसंद है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कैसे भी तुम्हें विश्वास दिलाऊं कि मैं भी सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूं। मधु हंसती है, इसमें क्या संदेह है। अब ये भी व्यंग्यात्मक तरीके से हंस रही है, कहती क्या संदेह इसमें, देखो तुम्हें पता ही नहीं लग रहा, अपने मन में सोच रही है वो कि तौलिया कौन सा लेना था, कौन सा ले लिया, सामान जो वैसे ही बिखरा पड़ा है और है। तो वसंत कहता है और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं है। अब मधु सिर्फ हंसती है, कुछ बोलती नहीं है। वसंत कहते हैं पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिव वातावरण में नहीं पला और मुझे नजाकतें नहीं आती। अरिस्टोक्रेटिक मतलब कि अत्यंत जो सभ्य वातावरण कह सकते हैं, जहाँ पर किसी की वस्तु नहीं छूई जाती, अपनी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, है ना। तो नजाकतें, नजाकत कहते हैं कि एक प्रकार के जो नियम वगैरह हो सकते हैं, जो संयम पूर्ण है। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम छों भाई उसे काम में लेते थे, लाते थे। अब मधु कहती है आप मुझे एरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं, मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिया हूँ। अब वो कहती है मैंने कब कहा कि 10-10 तौलिया होने चाहिए, लेकिन जो नियत है वो तो होना चाहिए। अब शेविंग के लिए अलग होना चाहिए, हजामत के लिए अलग होना चाहिए, तो नहाने के लिए अलग होना चाहिए ना, इस प्रकार से तो होना चाहिए। वसंत कहते हैं 10 और किस तरह होते हैं। अब देखिए बसंत भी थोड़ा चिढ़ चुका है, वो कहते हैं 10 और किस तरह होते हैं बताओ, नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुँह पोंछने का अलग, और फिर तुम्हारे और मदन के। अब ये अलग अलग कह रहे हैं कि 10 तो तौलिए तुमने गिना ही दिए, वैसे नहाने का अलग होना चाहिए, हजामत का अलग होना चाहिए, हाथ मुंह पूछने के लिए अलग से होना चाहिए, और फिर तुम्हारे और मदन के। अब बीच में वो बात को काट देता है, बीच में बात को काटते हुए मधु जो है पहलू बदल कर, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है,
जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों ना 10-10 तौलिया रखें। कल परमात्मा ने करें हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगोच्छे से कुछ भी रखा जा सकता है। अब देखिए वो मधु जो है बड़े घर की है, यानी कि इसके पिता जो हैं लेकिन पैसे वाले थे, लेकिन बसंत जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो वो कह रही है कि हो सकता है कि अब हमारे पास में इतने पैसे हैं कि 10-10 तोले रख सकते हैं हम, और कल को हमारे पास में इतने पैसे नहीं रहे हैं, तो भी मैं तुम्हें जो है ना ये सफाई वगैरह रखना जो है वो सिखा दूँगी कि किस प्रकार से सफाई रखी जा सकती है, मैं दिखा दूँगी तुम्हें। लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पहुँचा हो, उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पहुँच सकता है। अब देखिए मधु कहती है कि अगर किसी और ने अपना शरीर पहुँच रखा है तो उसे दूसरा कैसे अपना शरीर पहुँच सकता है। बसंत कहता है मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पहुँचते रहे हैं। मधु कहते हैं लेकिन बीमारी, वो कहती है अब उनको सिखाया गया है मधु को, क्योंकि बड़े घर में पली है तो हर एक के लिए अलग अलग जो है व्यक्तिगत जो वस्तुएं रहती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बसंत कहता है हम में से किसी को कभी कोई बीमारी नहीं हुई। मधु कहती है पर चरम रोग मतलब चमड़ी से संबंधित रोग। तो बसंत कहता है तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता, रोग बढ़ता है कमजोरी से, जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाला लाल कीटाणु कम हो जाते हैं, तब चूहा सेदनशाह की बात जानती हूँ। अब एक कहानी सुना रहा है चूहा सेदनशाह से संबंधित, और बसंत कहता है कि कोई जो रोग है ना वो ऐसे नहीं बढ़ जाता, रोग बढ़ता है कमजोरी से, और जब हमारे शरीर में लोह तत्व जो है उसकी कमी हो जाती है, लाल कीटाणु जो है उनकी कमी हो जाती है, तब रोग फैलते हैं। अब वो कहते हैं चूहा सेदनशाह की बात जानती हो तुम। अब वो मधु पूछती है चूहा सेदनशाह ये कौन है भाई, है ना। वसंत कहते हैं शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सेदनशाह गई। अब चूहा सेदनशाह जो है वो स्थान का नाम है, उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बैरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं, और चूहा सेदनशाह स्थान है, वहां के जो लोग हैं ना उनके बारे में बता रहे हैं इसमें कि जो इसमें देखिए अमेरिका के जो रॉकफेलर ट्रस्ट थे तो उसके जो कुछ डॉक्टर वहां पे थे, और लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। अब भोजन के समय तो पानी की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन बैरे ने आकर कहा, बैरा यानी कि जो उनको भोजन परोस रहा था, तो उसने कहा कि गांव में कोई कुआं नहीं है, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास ही नहीं आया कि लोग जोहड़ का पानी पीते हैं, क्योंकि जोहड़ का पानी मैला चिकट है। अब मैला चिकट मतलब मैला था और मिट्टी से भरा हुआ है, चिकनी मिट्टी से। ऐसी कोई ही बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में न हों। अब देखिए इतना अधिक मटमैला सा पानी है, लोग गाँव के लोग पी रहे हैं, और चूहा सेदनशाह के जाट हष्ट पुष्ट लंबे तगड़े। अब देखिए इसमें बता रहे हैं कहानी के माध्यम से कि चूहा सेदनशाह के जो जाट थे, जो लोग थे वहाँ के, हष्ट पुष्ट थे और लंबे तगड़े थे। तो बीच में अपनी बात को रोकता है, फिर मधु कहते हैं तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें, और हंसती है। बसंत उठकर कमरे में घूमता हुआ तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो उसके सामने रुक कर। अब पहले तो घूमता है और कहते हैं कि तुम अपनी विषाक्त हंसी हंस सकती हो, फिर उसके सामने रुक जाता है मधु के सामने। तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे, एक जाट के रक्त का उन्होंने निरीक्षण किया, मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा हैं। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया, अब जो खुराक है ना जो खाते हैं वो, तो भोजन का निरीक्षण किया, पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं, और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणु को मारने की शक्ति है। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिविरोध कर सके। फिर घूमने लगते हैं। अब बसंत कहता है कि इस प्रकार की नजाकतें यानी कि साफ सफाई रखने से, या इस प्रकार से अलग अलग तौलिए बदल के रखने से, या दूसरों को ऐसे कहते रहना कि सफाई रखो रखो, तो इस प्रकार से नहीं होता शरीर
में शक्ति का विकास, बल्कि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होनी चाहिए। फिर मधु कहती है, मैंने चूहा सैदन शाह की बात सुन ली। मैले तौलियों से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन ही से मुझे सफाई पसंद है मामा जी। अब देखिए वो कहती है कि चूहा सैदन शाह की बात मैंने सुन लिया, मैले तौलियों से शरीर में चाहे लाल कीटाणु फैले चाहे श्वेत कीटाणु जो फैले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ कि मुझे बचपन से ही सफाई पसंद है। और मामा जी, अब मामा जी कहने के बाद में बात रोक देती है अपनी। तो बसंत कहते हैं, मेज़ के कोने का सहारा लेकर तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ी। अब फिर वो बसंत वो चिढ़ जाता है। अब देखिए कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी बसंत के साथ में, जिसके कारण से मामा और मौसा का नाम लेते ही उनको क्रोध आने लगता है। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या ऐसी घटना घटित हुई होगी। माना वे विलायत हो आए हैं, किंतु इसका यह मतलब तो नहीं है कि जो वे कहते हैं वे वेद वाक्य हैं, कि वेदों में लिखा हुआ है वैसा ही होगा। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। मधु के पास जाकर उन्होंने दांत निपोर दिए, नकल उतारते हुए, मैं किसी दूसरे के तौलिये से हाथ नहीं पहुँचता। और वे अपने रुमाल से हाथ पहुँचने लगे। मैं पूछता हूँ, अगर वे उस तौलिये से हाथ पहुँच लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती। अब देखिए बसंत भी चिढ़ा हुआ है, कहता है कि मैंने तुम्हारे जो मौसा आए थे ना विदेश से उगराए हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि उनका जो कोई वाक्य है तो वेद वाक्य हो जाएगा। तो जब वे अपने यहाँ घर पे आए थे तो मैंने उनको जो है हाथ धोने के बाद में तौलिया दिया हाथ पहुँचने के लिए, लेकिन उन्होंने हाथ पहुँचने से मना कर दिया तौलिये से, कि मैं दूसरे के तौलिये के से हाथ नहीं पहुँचता हूँ। और वे अपने रुमाल से हाथ पहुँचने लगे। और वो बसंत कहते हैं, मैं पूछता हूँ कि उस तौली से हाथ पहुँच लेते तो क्या उन्हें बीमारी कोई लग जाती क्या। अब मधु कहती है, अब यह तो मतलब कि आप उनसे बात करें कि वो क्या कहते हैं इस विषय में। फिर बसंत कहते हैं, और तुम्हारे मामा जी, अब मामा जी की बात बता रहे हैं वो, वापस जाके फिर मेज़ के पास खड़ा हो जाते हैं जो बसंत है, कि तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया, रात वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था, कहने लगे हजामत यहीं बना लो। तो मैंने कहा, मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब इनके मामा जी ने कहा, मधु के मामा जी ने कहा कि हजामत बना लो चलो। तो बसंत कहते कि मैंने कह दिया कि एक दिन छोड़ के बनाता हूँ हजामत, मैं इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा बना ही लेता हूँ। तब वे एक निकृष्ट सा रेजर ले आए और कहने लगे, अब नकल उतारते हुए, अब निकृष्ट सा मतलब टूटा फूटा पुराना सा रेजर लेके आए उनको देने के लिए, मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। अब देखिए एक प्रकार से उपहास ही किया जा रहा है, बेइज्जती कह सकते अपने की जा रही है, कि पहले तो उनको कह दिया, बसंत को कह दिया कि तुम हजामत बना लो, जब उसने कहा चलो ठीक है बना लेता हूँ, फिर एक टूटा फूटा निकृष्ट सा जो रेजर है वो ला के दे दिया, कि मैं तो अपना रेजर किसी को देता नहीं हूँ, मेहमानों के लिए ये ला के रखा है मैंने। फिर क्रोध के मारे मेरा रक्त खोल उठा, अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना कहा, रहने दीजिए मैं घर जाकर शेव कर लूँगा। अब मधु कहती है, मामा जी, वसंत अपनी बात जारी रखते हुए, अब बीच में रुक नहीं रहा है बसंत, इस पर शायद उन्हें मालूम हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने पर विवश कर दिया। अब उन्होंने ज़्यादा ही कह दिया, किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को स्टेनलेस कर लाई, नकल उतारते हुए, अब स्टेनलेस कर लाई यानी कि उसको धो के साफ करके अच्छी तरीके से ना डेटोल वगैरह लगा के छोड़ दें। अब उनके सामने ही जो है बसंत कहते हैं, मेरे सामने ही जो है वो ब्लेड निकाल के लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि इसको स्टेनलाइज कर दो। फिर मामा जी, मधु कहती है, मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। अब वो उनकी पक्ष ले रही है, या हो सकता है कि उनकी बात सही हो, लेकिन बसंत को ये बात अच्छी नहीं लगी। और फिर मधु कहती है कि मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं हैं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की ही भांति होती है। वो कहती है कि स्वच्छता की जो भावना है वो काव्य और कला की भांति ही होती है।
अब इस प्रकार से दोनों में बातचीत हो रही है, तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं ये कि तुम्हारे मामा जी ने ऐसे किया, तुम्हारे मौसा जी ने ऐसे किया, और तुम बार बार उन्हीं के बारे में बता रही हो। तो मधु कहती है कि ये जो स्वच्छता की भावना वो काव्य या कला के समान ही होती है, तो अगर जो इसको पसंद करता है तो वो पसंद करने लगता है। तो इस प्रकार से उनमें बातचीत हो रही है। तो ये तो था हमारा इसमें भाग एक, जिसमें उनमें मधु और वसंत के बीच में जो बातचीत हो रही है स्वच्छता को लेकर, उसका हमने अध्ययन किया है। और साथ ही साथ जो चूहा सेदन साह जो कहानी है उसका भी हमने अध्ययन किया। तो आगे भी हम पढ़ेंगे कि इसके बाद में जो इनकी बातचीत है वो क्या रूप लेती है और किस प्रकार से यह जो एकांकी आगे बढ़ती है, तो उसका अध्ययन करेंगे हम भाग दो के अंतर्गत। इसी के साथ ही धन्यवाद।